गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 9 में पार्ट 2 पढ़ाऊंगा। जो मैं आपको कल पढ़ाया था, यानी कि जो सेक्शन बी है उसमें जो मैं पहला चैप्टर लिया हूँ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यही मैं पढ़ाऊंगा आज। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आज की टॉपिक हमारी है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। देखिए, पार्ट्स मीन्स होता है भाग, आप सेंटेंस यानी कि वाक्य के भाग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वाक्य के दो भाग होते हैं। वाक्य के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। देखिए, पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्ता। और प्रेडिकेट मीन्स क्या होता है? विधेय। जैसे कोई भी सेंटेंस होता है तो उसमें दो पार्ट होते हैं, यानी कि एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रेडिकेट होता है। तो क्या सब्जेक्ट होता है, क्या प्रेडिकेट होता है, इन सब को हम जानेंगे। तो पहला हमारे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की हिंदी होती है कर्ता। तो कर्ता किसे कहते हैं? देखिए, लिखा है जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं। जैसे कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति का नाम, जैसे राम, घनश्याम, ठीक है, कोई वस्तु है, द बुक है, द टेबल है, कुछ भी है। तो जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है कार्य करने वाला, यानी कि या तो कार्य करने वाला कौन होगा? या तो कोई वस्तु होगी या तो कोई व्यक्ति होगा, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति या वस्तु है उसका हम क्या करेंगे? कर्ता हम कहेंगे, इंग्लिश में सब्जेक्ट कहेंगे। अब देखिए, दूसरा होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का हिंदी होता है विधेय। तो विधेय क्या होता है? देखिए, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहते हैं तो वह प्रेडिकेट होता है। यानी कि जैसे जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में जो कुछ कहते हैं, जैसे कहेंगे कि राम हंसता है तो राम लाक्स होगा ना, तो जो लाक्स है वो क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। तो वही कह रहा है कि जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहते हैं तो वह प्रेडिकेट होता है। जैसे एग्जांपल आपको दिए हैं, मोहन लाक्स, यानी कि मोहन यहाँ पे करता है और लाक्स क्या है? विधेय है। यानी कि मोहन सब्जेक्ट है और लाक्स क्या है? प्रेडिकेट है। अब देखिए दूसरा, गीता रीड्स, गीता पढ़ती है। गीता क्या है? सब्जेक्ट है और रीड्स क्या है? प्रेडिकेट है। देखिए लिखा गया है यहाँ पे, प्रथम वाक्य में मोहन तथा दूसरे वाक्य में गीता कहता है तथा लाक्स तथा रीड्स क्या है? विधेय है। यानी कि जैसे मोहन लाक्स, मोहन यहाँ पे कर्ता हो गया, लाक्स क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। और यहाँ पे गीता रीड्स, गीता क्या है? कर्ता है, यानी कि सब्जेक्ट है, और रीड्स क्या है? प्रेडिकेट है, यानी कि विधेय है। तो प्रथम वाक्य में मोहन तथा दूसरे वाक्य में गीता कर्ता तथा लाक्स तथा रीड्स विधेय है। तो आप देखिए, जैसे कोई भी सेंटेंस है तो उसमें दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जैसा कि आप जान रहे हैं अभी मैंने आपको बताया। तो जो सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है इनके भी पार्ट होंगे ना। तो सब्जेक्ट के क्या क्या पार्ट होते हैं और प्रेडिकेट के क्या क्या पार्ट होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, पांच सात सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के भाग। तो सब्जेक्ट में देखिए क्वालिफायर होता है और मेन वर्ड होता है, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं, क्वालिफायर और मेन वर्ड, ठीक। और क्वालिफायर कितने पार्ट होते हैं? देखिए, डिटरमाइनर होता है, एग्जेक्टिव होता है और एग्जेक्टिवल फ्रेज होता है। तो ये सब पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट हैं। अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, यानी कि प्रेडिकेट के भाग। देखिए, प्रेडिकेट के भाग कितने होते हैं? देखिए, तीन होते हैं। वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, कंप्लीमेंट होता है, ठीक है। यानी कि प्रेडिकेट के तीन पार्ट होते हैं, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है और कंप्लीमेंट होता है। और इसमें ऑब्जेक्ट के भी दो भाग होते हैं, पहला होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, ठीक है। इसमें जैसे इनडायरेक्ट, जैसे कोई भी सेंटेंस है,
अगर उसमें डबल ऑब्जेक्ट आते हैं तो उसमें एक इनडायरेक्ट होगा और एक डायरेक्ट होगा, और जो उस सेंटेंस में व्यक्ति सूचक होगा यानी किसी व्यक्ति को इंगित करे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और कोई वस्तु को अगर इंगित करता है तो वह क्या कहलाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब इसी पे जो मैं आपको पढ़ाया हूँ अभी मैं आपको करने के लिए एक्सरसाइज दे रहा हूँ, आप देखते रहिए। यस डब्ल्यू करके मैं दे रहा हूँ, इसी का अपेक्षित समझ देता है। जैसे कोई भी मान लीजिए सेंटेंस हम ले लेते हैं, जैसे कोई भी सेंटेंस है जैसे यस डब्ल्यू में जो मैंने पढ़ाया अभी इसी पे डिपेंडेंट एक्सरसाइज आपको करने के लिए दे रहा हूं, आप इसको जरूर दीजिएगा। जैसे आपको डायरेक्शन है, जैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से ही होगा, डायरेक्शन है कि पिक आउट सब्जेक्ट of the following sentences। अब इसमें पहला है, मैं आपको ASW दे रहा हूं, पहला है रीता रीड सबक, दूसरा है सी ड्रिंक्स मिल, तीसरा है सोना एक सब माइंडलॉस, चौथा है कोमल राइट से लेटर, पांचवा है ही जंप्ड इनटू द वेल, छठवा है दे है द दिशा, और सेवन है सेवन नंबर पे वी आर गोइंग टू मार्केट, और आठवां जो लास्ट थिंग है सी हैज ईटेन एन एप्पल, ऐसा आप इसको होमवर्क रूप में करके सेंड करिएगा और इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।